झारखंड राज्य में मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जानकारियां हम इन्हीं से लेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोग आज धरना दे रहे हैं और किस तरीके से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी आज पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिला संग्रहालय में आज ये 3 दिवसीय पूर्व सूचना के तहत सरकार को सूचना देते हुए हम लोग 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर आज से शुरुआत है हम लोग का। और हम लोग का मांग पुरानी मांग है 2019 में जब चुनाव हुआ था झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का मैनिफेस्टो में था कि संविदा कर जो संविदा नाम है हटा दिया जाएगा और मनरेगा कर्मियों का जो भी मांग है मानदेय व्यवस्थाकरण हो सबको पूरी की जाएगी। लेकिन जब उन्होंने सरकार में बैठे तो मनरेगा कर्मियों का वो शुद्धि नहीं लिए और मजबूरन हो क्या सरकार का कार्यकाल 2-3 महीना बची हुई है तो हम लोग का साथ वो सौतेला व्यवहार किए हैं। आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर शुरुआत है। हम लोग 20 तारीख को हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जगह मशाल जुलूस होगा और मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को आगाह किया जा रहा है कि आपने जो वादा किया था हम लोगों के प्रति में जो भी आप मांग पूरा करने का वादा किए थे आप नहीं किए हैं, इसीलिए मशाल जुलूस के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे और 3 दिन के अंदर हम लोग को अगर मांगे पूरी नहीं होती है वेतन मान है स्थायीकरण है। और एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग झारखंड में मनरेगा सेल अलग है, मनरेगा से अलग सेल में जो हम लोग को कंटीजेंसी से मानदेय पेमेंट होता है आज उनको वेतन मान दिया जाता है, बाकी हम लोग प्रखंड में कार्यरत है उनको किसी तरह का वेतन मान में किसी तरह का ध्यान नहीं दिए, केवल मानदेय पर कंटीजेंसी पर दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, 4.5 साल का कार्यकाल लगभग बीत चुका है सरकार का, क्या इससे पहले आप लोगों ने कोशिश किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले या फिर कोई मंत्रियों से मुलाकात करे? हम लोग जब से सरकार बैठा है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से हम लोग कई एक बार उनके आवास घेरे, कई एक बार धरना प्रदर्शन किए, उन्होंने केवल आश्वासन दिए लेकिन आज तक उन्होंने कभी किए नहीं, अब तो रहे नहीं है। अच्छा, अब ग्रामीण विकास विभाग जो है वो इरफान अंसारी संभाल रहे हैं, क्या मुलाकात हुई है आप लोगों की उनसे? इरफान अंसारी 2 बार मुलाकात किए हैं, उन्होंने भी केवल आश्वासन ही दिए हैं और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिए, इसीलिए हम लोग सांकेतिक हड़ताल 3 दिन का है और 3 दिन के अंदर का सर्वाई सरकार हम लोग ऊपर किसी तरह का हम लोग प्रति हम लोग का जो भी मांगे हैं अगर संवेदना व्यक्त नहीं करती है हम लोग के प्रति वो सचेत नहीं होते हैं तो हम लोग 20 तारीख को हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ जरूर आए। हम लोग 5 बजे हम लोग यहाँ से मशाल जुलूस के रूप में रांची यूनिवर्सिटी गेट तक जाएंगे और सरकार को संकेत देते हुए कि हम लोग 22 अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है तो 22 जुलाई से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के मनरेगा कर्मी सभी प्रखंड में सभी काम ठप कराते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि 4.5 साल का कार्यकाल तो हो गया, आप लोगों ने कहा कि कई लोगों से आप लोगों ने मुलाकात किया, आलमगीर आलम से भी मुलाकात किया, इरफान अंसारी से भी मुलाकात किया, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि 4 महीने के भीतर सरकार कुछ पहल करेगी? आज हम लोगों का लगभग 16 वर्ष हो गया, 16 वर्ष में चाहे रघुवर दास की सरकार हो चाहे हेमंत सरकार हो इससे पूर्व की सरकार हो सिर्फ आश्वासन ही मिला है। और हम लोग 2 जुलाई को बापू वाटिका से पैदल मार्च करते हुए वादा निभाव का पैदल मार्च करके यहाँ हम लोग कार्यक्रम किए। हम लोग का यही कहना है कि अब हम लोग का उम्र सीमा भी समाप्ति की ओर है, हमारे बाप दादा भी जो है बाप माँ बाप जी बुढ़ापे हो गए हैं, बाल बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब हम लोग को अपना क्या अपना घर परिवार भी चलाना मुश्किल हो गया है। इतना कम मानदेय देती है सरकार कि इस महंगाई में चावल दाल खरीदना मुश्किल है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं। और मनरेगा के तहत बहाली किया गवर्नमेंट ने और आज हमसे सारा काम चुनाव से निर्वाचन से लेकर के जो है अबुआ आवास से लेकर के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की सभी योजनाओं पर हम लोग को कार्यरत काम करने का जो है निर्देश दिया जाता है। और ख़ासकर अभी अबुआ आवास सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और बिरसा हरित ग्राम आम बागवानी की तरह जो अभी बागवानी लगानी है उस पर टारगेट दिया हुआ है कि इसको पूरा करना है और काम को हम लोग जो है बखूबी निभा रहे हैं। लोग अगर यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो काम तो हम पर हो रहा होगा, फिर पूरी तरीके से अभी काम ठप है। अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए, काम तो पूरे तरीके से ठप हो गया होगा अगर आप लोग यहाँ पर, आप लोगों का कहना संख्या जो है 400 की है, तो अगर यहाँ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो काम किस तरीके से हो रहा है? काम अभी ठप है पूरा काम अभी, सब जितना भी काम होता है हम लोग का मनरेगा में सारा काम अभी पूरा जीरो में आ गया है।
लेकिन परेशानी तो हो रही होगी फिर लोगों को भी। काफी जितना मजदूर लोग होते सब परेशान है, दो ही दिन परेशान, आज फर्स्ट दिन बहुत परेशान सोना हो गया है, शायद अगर और बढ़े तो पूरा परेशान हो, पूरा राज्य पूरा ये एकदम काम पूरा ठप हो जाएगा। मूल रूप से आप लोगों का कहना है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले जो वादा किए थे हेमंत सोरेन, वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की जो भी मांग थी उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो अपना हम लोग का एक संवाद हुआ था सीएम साहब से, जो कि उस समय विपक्ष नेता थे, और वो बोले थे कि हम लोग जो अनुमान का जो ठप्पा लगा हुआ है, गला में घंटी लगा हुआ है, उस सबको हम लोग वो नामोनिशान मिटा देंगे, फिर मेरे सरकार आने दीजिए। हम लोग उन्हीं को देकर पूरा राज्य भर के तमाम मनरेगा जितना भी कर्मी हम लोग सभी उनको हम लोग चाहें और सत्ता पे लाएं, लेकिन आज वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं, और हम लोग इतना अल्प मानदेय में हम लोग घर परिवार चलाना, तो अपने चलाने तो घर परिवार भी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इतना कम मानदेय में हम लोग काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था उस वादे से विपरीत काम कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर हेमंत सोरेन पहल नहीं करेंगे मनरेगा कर्मियों के लिए, तो आने वाले समय में इन लोगों की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि 20 जुलाई को मशाल जुलूस निकालेंगे, उसके बाद भी अगर सरकार कुछ पहल नहीं करेगी तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मनरेगा कर्मी जो मांग को लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं, आखिर इनकी मांग कब पूरी होती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।